गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस प्रॉपर्टीज में हमने ऐसी रिएक्शन डिस्कस करी थी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्किल ग्रुप पार्ट लेता है। रिएक्शन थी हैलवोलार्ड जैलेंस की रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु से रिप्लेस हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हमने ऐसी रिएक्शन डिस्कस करी जिनमें कंप्लीट कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें अपन ने रिडक्शन देखा था और हमने रेड्यूस दो एजेंट से कराया था, एक LiLH4 और एक रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, LiLH4 से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब आपने रेड्यूस करा था आपको एल्कोहल प्राप्त हुआ था, और रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से जब आपने रेड्यूस करा तो आपको एल्केन प्राप्त हुई थी। इसी श्रेणी में डीकार्बोक्सिलेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, विकार्बोक्सिलीकरण, और इसमें एक महत्वपूर्ण रिएक्शन आती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रो लाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। क्या होता है इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है, ये अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्षार लवण यानी प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करवा के कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त किया जाता है, जैसे एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट। इसका हमें क्या लेना है, जलीय विलयन लेना है। जलीय विलयन का हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर प्राप्त क्या होगा, CH3 CO2 H2 प्लस NaOH, टू मॉलिक्यूल्स सोडियम एसीटेट लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स H2O लेंगे, एथेन का एक अणु बनेगा, CO2 के टू मोल्स निकलेंगे, NaOH के भी टू मोल निकलेंगे। आपने सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन ले रखा है, इसका विद्युत अपघटन करवाया तो एथेन का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, H2 गैस बनी और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हुआ। इसको हम याद कैसे रखा करते हैं, देखिएगा, CH3 COO Na plus H2, H2O को यूं लिखते हैं अपन HOH HOH। ठीक है, अब देखिए ये CH3 ने मिलके क्या बना लिया, एथेन। CO2, ये CO2 बाहर निकल के क्या बाहर निकल गया, टू मॉलिक्यूल CO2। Na और इस OH ने क्या बना लिया, NaOH। Na और इस OH ने क्या बना लिया, NaOH, NaOH, 2 NaOH। बचा क्या, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसने क्या बना लिया, H2। ये इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है वह हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म, क्रियाविधि, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म आपकी 12th बुक में दी हुई है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले आपने सोडियम एसीटेट और वाटर ले रखा है, जब आप इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। आपने क्या ले रखा है, टू मॉलिक्यूल्स सोडियम एसीटेट, जब आप इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो ये टूट जाएगा, टू एसीटेट प्लस टू Na प्लस। इसी प्रकार से H2O भी टूट जाएगा, 2H प्लस और 2OH माइनस। ठीक है, इस प्रकार से इनका डिसोसिएशन होता है, आयनों में टूट जाते हैं क्योंकि विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है, अपन ने एक पात्र में, एक पोर्ट में ये विलयन ले रखा है, दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और इलेक्ट्रोडों को अपन ने विद्युत स्रोत से, इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ रखा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एक धन इलेक्ट्रोड होगा, एक ऋण इलेक्ट्रोड होगा। विद्युत अपघटन में धन इलेक्ट्रोड को एनोड कह रहे हैं, ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो
सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। एनोड, विद्युत अपघटन में एनोड की नेचर होती है पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस कर रखा है। एनोड की नेचर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन यहाँ पे OH- माइनस है और एसीटेट है। OH- माइनस जाए या एसीटेट जाए, इसका डिसाइड करता है रिडक्शन पोटेंशियल, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने डिटेल से स्टडी कर रखी है, वही सीरीज हमें बताती है कि कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, ये बात हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी बताती है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। एनोड की नेचर कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास यहां जाएगा एसीटेट, 2CH3COO-। देखिए यहां पे जो आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इस नेगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये एसीटेट आयन एनोड के पास जाएगा, कितने एसीटेट जा रहे हैं? दो एसीटेट, और दोनों एसीटेट क्या कर रहे हैं, जो इनके पास सोडियम के इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग रहे हैं। एक एसीटेट ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरे एसीटेट ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? दो इलेक्ट्रॉन। इस एसीटेट को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मींस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ ये 2CH3C OO पे ये लोन पेयर, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को देखते ही यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दोनों कार्बनों ने इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर रखी है, साझेदारी कर रखी है। परंतु इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को देखकर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन अपना वापस ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर, यानी एक तो मेथिल मुक्त मूलक बनेगा, एक ये बनेगा। अब इसमें देखो, क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये साझेदारी करेंगे क्या बन जाएगा? CO2। किसका निर्माण हो जाएगा? CO2 का निर्माण हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया और अब कितना 2CH3 यहाँ पे क्या बन गया? मुक्त मूलक, मैथिल मुक्त मूलक। किसका निर्माण हो गया? मैथिल मुक्त मूलक, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये क्या बना लेगा? CO2। किस प्रकार से बनाएगा मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक। अब देखिए, दो मेथिल मुक्त मूलक, कितने मेथिल मुक्त मूलक? दो, एक CH3, इसके पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा CH3, इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बनेगा? CH3CH3। किसका निर्माण हुआ? एथेन का। क्या बना यहाँ पे? एथेन बन गया, यानी कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड पर किसका निर्माण होता है? एथेन का। कब? जब आप सोडियम एसीटेट लें। अगर कोई और कार्बोक्सिलेट लेते तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? एनोड पर एल्केन का निर्माण होता है। कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड पर एल्केन का निर्माण होता है, जो कि अपने यहाँ पे प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, एनोड पे होने वाली रिएक्शन मैंने बता दी। अब देखिए यहां पे देखो, अपन ने एथेन बना दिया, CO2 बन गई, ठीक है, ओके। अब देखो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड नेचर कैसी है? नेगेटिव। होगा क्या यहां पर? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी त्यागता तो ऑक्सीकरण में, बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहां पे त्यागे थे ना, अभी रिडक्शन में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कौन? देखो
इसकी नेचर नेगेटिव है। नेगेटिव पर जाने के लिए कौन तैयार बैठा है? एच प्लस और एन ए प्लस। कौन जाएगा रिड्यूस होने के लिए? वह बताएगी हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का अपचयन विभव अधिक होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन जाता है। किस प्रकार से? देखिए, 2H+ गया, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स क्या ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से करेगा? देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं ना, इन दो इलेक्ट्रॉनों को H+ ग्रहण करेंगे और बना लेंगे H2, हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे। तो यानी कैथोड पर क्या मुक्त होगी? H2। देखिए, इसमें से एसीटेट काम में आ गए, H+ काम में आ गए, बचे क्या? Na और OH। ये Na+ और OH मिलके क्या बना लेंगे? 2NaOH। क्या बना लेंगे? 2NaOH। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मैंने आपको यहाँ पे शो करी है, बुक में दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में, एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। चलो, ये थी कार्बोक्सिल समूह की रिएक्शन। आगे और एक नेम्ड रिएक्शन दी हुई है, यह भी कार्बोक्सिल समूह की ही अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नाम है समिट अभिक्रिया। समिट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, समिट रिएक्शन, समिट अभिक्रिया क्या है? समिट अभिक्रिया थोड़ा सा मैं पेन को स्याही डाल दूं, उसके बाद समिट अभिक्रिया देखते हैं। इसकी बेसिक थीम होती है, यह तीन अम्लों वाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में तीन अम्ल भाग लेते हैं। कौन कौन से अम्ल भाग लेते हैं? बात करते हैं समिट अभिक्रिया के बारे में। आपको इसकी थीम क्या ध्यान में रखनी है? यह है तीन अम्लों वाली अभिक्रिया। तीन अम्लों वाली अभिक्रिया कौन कौन से हैं? तीन अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तीन एसिड इस रिएक्शन में भाग लेंगे। वन इज द कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेकंड इज हाइड्राजोइक, हाइड्राजोइक अम्ल एंड थर्ड इज सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीन अम्लों वाली अभिक्रिया है समिट रिएक्शन। देखिए क्या होगा इस अभिक्रिया में। हमने ले रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस रिएक्शन को हम याद कैसे रखते हैं? तीन अम्लों वाली अभिक्रिया है, नाइट्रोजन का N2 सबसे स्टेबल फॉर्म है। अगर किसी भी रिएक्शन में N2 बनने की पॉसिबिलिटी हो तो नाइट्रोजन सबसे पहले रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें से N2 बाहर निकल जाता है, पहली चीज बचा क्या? NH। इसके अलावा इसमें से बाहर क्या निकलता है? CO2। ठीक है, N2 बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया, बचा क्या? R और एक H, और इधर बचा NH। यह H और NH क्या बना लिया? NH2। RNH2 किसका निर्माण हुआ? RNH2। दिस इज प्राइमरी एमीन, और साथ में क्या बना? CO2 plus H2O का यहाँ पे निर्माण हुआ। यानी इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाते हैं हम? प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी रिएक्शन में? समिट अभिक्रिया में, समिट रिएक्शन में। ठीक है, ये बात ओके।
अब अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा इस रिएक्शन में होता क्या है। मैकेनिज्म हमने ले रखा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, यह क्या देगा? H प्लस देगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा? H प्लस देगा। H प्लस को अटैक करने के लिए यहाँ पे कौन सी साइट दिखाई दे रही है? यह है ऑक्सीजन का लोन पेयर। ऑक्सीजन के लोन पेयर पर यह H जाकर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जब यह H अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन जैसा विद्युत ऋणी उस पॉजिटिव चार्ज को लंबे समय तक नहीं रखेगा और रिजल्टिव ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेगा। क्या बनेगा? आर सी ओ एच, ओ एच और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक धनायन बना है, इस पर अटैक करेगा हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड की स्ट्रक्चर होती है N माइनस डबल बोंड N प्लस डबल बोंड N H। यह है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड का यह नेगेटिव चार्ज आयन अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पर और क्या बनेगा? R C O H O H N डबल बोंड N प्लस डबल बोंड N H, ठीक है। अब देखिए एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? H2। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? H2। तो प्रोडक्ट आएगा R C डबल बोंड O N N प्लस डबल बोंड N H, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपके नहीं हुई। अब देखिए हमें रिलीज क्या करवाना है, इसमें से N2 निकालना है। तो N2 निकालने के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन चार बॉन्ड तो बना सकता है पर पाँच तो नहीं बना सकता है ना। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन पर चला जाएगा। जब N और H का बॉन्ड जब NN के बीच में शिफ्ट हुआ है तो उसी वक्त जो N N के बीच का डबल बॉन्ड है वह नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर गया। अब नाइट्रोजन पर जब ये शिफ्ट करा तो क्या ये कार्बन पांच बॉन्ड बना सकता है? क्या नहीं बना सकता है। उसी समय ये बॉन्ड कहाँ चला गया? ऑक्सीजन पर चला गया। किस पर चला गया? ऑक्सीजन पर चला गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए इसको चलो बाद में शिफ्ट करते हैं, पहले देखिएगा क्या लिखें इसको। माइनस H प्लस, H प्लस यहाँ पर बाहर निकल गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, N पे पॉजिटिव, फिर N, N पे पॉजिटिव और उसके बाद में क्या लिखा हमने? N, N पे क्या आ रहा है? नेगेटिव, N पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यह N यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड चला जाएगा ऊपर। जो ऑक्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म वो कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पर चला जाएगा और हम क्या लिखेंगे? R C O माइनस डबल बॉन्ड N N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर खींच लेगा तो क्या होगा? बाहर क्या निकल जाएगा? N2। बाहर क्या निकल गया? N2 यहाँ पे बाहर निकल गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे देखिए इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये R अपना पूरा का पूरा बॉन्ड लेके कहाँ पे जाएगा? इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और उसी वक्त ये O का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो क्या लिखेंगे हम? C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड एन आर, ठीक है, या इसे क्या लिख सकते हैं, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कहते हैं आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब आप इसका जल अपघटन करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। देखो जल अपघटन कराओगे, ये दो बॉन्ड टूटेंगे, दो बॉन्ड टूटेंगे नाइट्रोजन और कार्बन, जल में से मिलेंगे H प्लस और OH माइनस। नाइट्रोजन पर कौन आएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए H प्लस आएंगे, कितने दो, तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2। कार्बन पर कौन आएंगे, दो OH, एक कार्बन पर दो OH स्टेबल होंगे नहीं, H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बचेगा CO2। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया इस प्रकार से टेक प्लेस हुआ करती है। यह मैकेनिज्म 12th बोर्ड्स की बुक में नहीं है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन केवल यहीं तक पूछा जाएगा। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि यह रिएक्शन इस प्रकार से टेक प्लेस हुआ करती है, ठीक है। दिस इज स्मिट अभिक्रिया, तीन अम्लों वाली अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राइमरी एमीन का निर्माण करता है। देखिए इसकी केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, H प्लस ने ऑक्सीजन पे अटैक करा, क्या बन गया OH, यहाँ पे OH बना तो ऑक्सीजन ने कार्बन ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया, कार्बन पे होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। इसी समय इस पर किसने अटैक करा, हाइड्राजोइक एसिड ने, क्योंकि दो OH है, दो OH में से बाहर क्या निकल गया H2O, दो OH एक एटम पे स्टेबल नहीं होते हैं, बाहर निकल गया। अब देखिए माइनस H2O, ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें से N2 अपने को बाहर निकालना है, तो N2 बाहर निकालने के लिए सबसे पहले H प्लस बाहर निकल गया, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, N पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के पांच बॉन्ड हो रहे, तो ये बॉन्ड किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे। अब ये NN ने इस वाले बॉन्ड को लिया, N2 यहाँ से रवाना, ठीक है। अब इसी समय R जाके किस पे जुड़ता है, N पे जुड़ता है, आप इसको रीअरेंजमेंट मान सकते हैं। N2 बाहर निकल गया, यह है क्या है, एल्किल आइसोसाइनेट, जिसका हाइड्रोलिसिस करवा के आपने क्या प्राप्त करा है, प्राइमरी एमीन प्राप्त करी है, ठीक है। यह थी समिट अभिक्रिया जिसके बारे में हमने बात करी है। तो यहाँ तक हमारी वे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह भाग लेता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रियाएं जिनमें सी के साथ में जो OH ग्रुप है वह अलग होता है। देखिएगा वे अभिक्रियाएं जिनमें सेकंड थर्ड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बंध का विदलन होता है, कैसी रिएक्शन है, जिसमें OH बॉन्ड ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनिल और OH के बीच का बॉन्ड का यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पे PCl3 PCl5 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम इनके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ऑल आर हेलोजन डोनर, ये सभी क्या है, हेलोजन दाता, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हेलोजन देंगे। क्या होता है देखिए, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके साथ रिएक्शन करवाई PCl3 की, थ्री मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें पता है H3PO3 बनेगा, साथ में बनेगा थ्री मॉलिक्यूल्स R C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड, ओएल क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण होगा। इस रिएक्शन को हम कैसे याद रखा करते हैं, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड और PCl3 क्या बना, H3PO3, कितने H, तीन,
PO3, H3PO3, ये जो बोन टूटे उन पर जाकर कौन बैठ गया, क्लोरीन, तो क्या बनेगा, थ्री मॉलिक्यूल्स RCOCl, ठीक है। ओके, सेकेंड रिएक्शन अपन कराते हैं BCl5 के साथ में, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन, BCl5 के साथ में, यह भी हेलोजन डोनर है, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl। हमेशा ध्यान रखिए फॉस्फोरस की नेचर होती है ऑक्सीजन को खींचना, अगर इसको ऑक्सीजन दिख गई तो PCl5 के मैटर में हमेशा POCl3 बनेगा, और अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो HCl भी बनेगा। कैसे याद रखते हैं इस रिएक्शन को, RC डबल बॉन्ड OOH P 1 Cl 2 3 4 5, RCOCl, POCl3 एंड HCl, इस प्रकार से। दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, दिस इज द, ये याद करने का एक तरीका है, मैकेनिज्म नहीं है यह, ठीक है। तो इसमें भी क्या बना, एसिड क्लोराइड बना, ओके। इसके अलावा थायोनिल क्लोराइड, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करा दें तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पे आपको एक फील जरूर आ रही होगी, ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ रखा है, दिस इज थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन विद OH ग्रुप, डार्जन अभिक्रिया जो अपन ने डिस्कस करी थी हेलो एल्केन में, वो फील आपको यहाँ पे जरूर आ रही होगी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखकर। इस रिएक्शन को हमने कैसे याद किया था, RC डबल बॉन्ड OOH, देखो SOCl2, S डबल बॉन्ड OCl Cl, RC डबल बॉन्ड OCl RC डबल बॉन्ड OCl, SO2 SO2 HCl। तो यहाँ पे तीनों ही रिएक्शन में, चाहे आप PCl3 से रिएक्शन करा दो, PCl5 से करा दो, SOCl2 से करा दो, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, कोज ऑल आर हेलोजन डोनर्स, सभी हेलोजन दाता हैं। इसके अलावा आगे हम एक महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखिएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, यह रिएक्शन सेकंड रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा एस्टरीकरण रिएक्शन क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ एसिड की प्रेजेंट में, एसिड HCl हो सकता है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है कि उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पे OHH क्या बना लेगा, H2O, और प्रोडक्ट बनाते हैं हम RC डबल बॉन्ड OOR, ठीक है। क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या था, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एस्टर बन गया, साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन यहाँ किससे करा रहे हो, अल्कोहल से, ठीक है। एसिड कौन सा हो सकता है, H2SO4 या HCl, अम्ल की उपस्थिति में HCl जो खनिज अम्ल है, मिनरल जो एसिड्स है, H2SO4 और HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस एस्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते एथिल अल्कोहल और एथिनोल, अगर ये हमारे पास में होता एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता, एसिटिक अम्ल, और अल्कोहल कौन सा होता, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो हमारा प्रोडक्ट्स क्या होता, देखिएगा सिंपल है, इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, HOCH2CH3,
क्या बाहर निकल गया? H2O। जैसा दिख रहा है वैसा प्रोडक्ट लिख दीजिए, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH2 CH3। दिस इज एस्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज एस्टर एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट का यहाँ पे निर्माण हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कि अम्ल ने OH त्याग दिया। एसिड तो H प्लस दिया करता है, तो ये OH कैसे दे रहा है? तो इसके एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, किस प्रकार से रिएक्शन टेक प्लेस होती है। इसकी मैकेनिज्म आपसे बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएगी। अभी तक जितनी मैकेनिज्म पूछी उनमें अभी तक इस चैप्टर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है उसमें आपको कोलबे रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछ सकता है एग्जाम में। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से होती है, देखिएगा मैकेनिज्म कैसे होगी। मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पे देखिए, हमने क्या ले रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिड के प्रेजेंट में हो रही है लाइका HCl, लाइका H2SO4। तो हम क्या करें यहाँ पे, हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है हमारा, और अम्ल का जो H प्लस है वह यहाँ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अम्ल का H प्लस यहाँ रिएक्ट करेगा। तो H प्लस कहाँ जाता है? इस ऑक्सीजन के पास जाता है रिएक्ट करने के लिए। इस ऑक्सीजन के पास जब H प्लस जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, CH3COH, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसने H प्लस दिया, देखो इस तरह से हुआ, ये CO यहाँ पे क्या जुड़ा, H पे क्या आया, प्लस आया, तो ऑक्सीजन ने क्या करा, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका निर्माण हो गया। अब देखिए इस पर अल्कोहल अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, क्या होता है देखते हैं। अल्कोहल अटैक करेगा कौन? एथेनॉल अटैक करेगा। इस रिएक्शन को ऊपर लिख दूं या पूरा पहले में, CH3CH2OH H+ CH3CO CH2CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे H2, ठीक है। अब इस पे देखिए कौन अटैक करेगा, अपना एथेनॉल अटैक करेगा, या मेथेनॉल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एथेनॉल ले लो चाहे मेथेनॉल ले लो। मान लो यहाँ पे आपने ले लिया मेथेनॉल, मेथेनॉल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेथिल एसीटेट बन जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। एथिल भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, दोनों ही देते हैं रिएक्शन। तो मान लीजिए छोटा रहे समूह, इसलिए मैंने यहाँ पे मेथेनॉल लिया है, CH3H। अब देखिए CH3H ये हमारा मेथेनॉल है, मेथेनॉल के ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर से ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3COH OH CH3H। परंतु इस कारण से इसके साथ में क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसी समय क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, बाहर क्या निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा। अब H+ जब बाहर निकलेगा तो इस H+ को देखो, यहाँ पे लोन पेयर है क्या, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसे रोक लेगा अपने पास, और क्या बनेगा देखिए, CH3COH OH H, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, OCH3, ठीक है। यहाँ से H+ बाहर निकला तो इस ऑक्सीजन रोक लिया। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसको आप डायरेक्टली यूँ ये समझ सकते थे आप, क्या होगा यहाँ पे, OH OH O CH3H। यहाँ से H+ बाहर निकला, इस पे एक कार्बन पे दो OH है तो क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या आएगी हमारी, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, क्या बन गया, एस्टर।
है ना। पर अपन इसकी पूरी जो सिस्टमेटिक मैकेनिज्म है वो यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या हुआ है, H प्लस ट्रांसफ़र हुआ है ना, H प्लस ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले पूरे के पूरे बॉन्ड को ले लेगा, बाहर क्या निकल गया, माइनस H2, H2 बाहर निकल गया। ऐसा करने से कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसा करने से कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, CH3, CH2 बाहर निकल गया, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इस पॉजिटिव की आपूर्ति करने के लिए क्या करेगा, यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनिकों को यहां पे शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी का ऑक्सीजन यहां पे अपना बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, तो क्या होगा, देखिएगा, CH3C+, ये तो चला गया ना, पॉजिटिव तो खत्म हो गया इसका, ओ CH3 डबल बॉन्ड ओ H, और O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब O अपना प्लस खत्म करने के लिए पूरा का पूरा युग्म खींच लेगा और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O CH3। वॉट इज दिस, दिस इज एस्टर, मैथिल एसीटेट। यह है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इस प्रकार से एस्ट्रीकरण अभिक्रिया टेक प्लेस हुआ करती हैं। क्या हुआ था, एसिटिक एसिड था, H प्लस इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इसके पास में लोन पेयर था, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसी समय मैथेनॉल का ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के युग्म को अपनी ओर खींच लेता है, H प्लस बाहर निकलता है। इसी H प्लस को यह ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से रोक लेता है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। H2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इस पूरे के पूरे युग्म को अपने ऊपर खींच के H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए ऑक्सीजन से लोन पेयर यहां पे आते हैं, ऑक्सीजन से जब लोन पेयर आते हैं, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन H के OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, बाहर निकल जाता है H प्लस, और एटलीस्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है एस्टर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन, इस प्रकार से एस्टरीकरण अभिक्रिया हुआ करती है। बात आ रही है समझ में, ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन अपन बात करते हैं, एन हाइड्रोक्साइड का बनना या एन हाइड्राइड का बनना, एन हाइड्राइड का निर्माण। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, एन हाइड्राइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखिएगा, एन हाइड्राइड का निर्माण, ध्यान दें मेरी बात की तरफ, एन हाइड्राइड का मतलब होता है कि दो OH ग्रुप हैं और इन OH ग्रुप में से बाहर क्या निकल रहा है, H2O। अगर H2O बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, O। इसको बोलते हैं एन हाइड्राइड का बनना। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा एन हाइड्राइड बनाएगा, बात करते हैं, क्योंकि अपने को H2O बाहर निकालना है, तो यहाँ पे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करेंगे, या तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ, निर्जलीकारक है, डिहाइड्रेटर है, या P2O5 के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर आपको एनहाइड्राइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड H2O त्याग देगा, ठीक है। देखिए, यह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु, यह है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा अणु, किसके साथ गर्म कर रहे हैं, कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले सकते हो या P2O5, दोनों की नेचर ध्यान रखनी है आपको, निर्जली कारक है, गर्म कर रहे हो, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, क्या बाहर निकला, H2O, बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R। वॉट इज दिस, दिस इज एन हाइड्राइड, यह एन हाइड्राइड है, ठीक है, इसको एनहाइड्राइड कह दिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए यहां पे ले लेते अपन एसिटिक एसिड, दूसरा भी ले लेते, दूसरा अणु भी किसका होगा,
एसिटिक एसिड का, किसके साथ गर्म करें, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 P2O5 के साथ में क्या करना है, गर्म करना है, गर्म करेंगे बाहर क्या निकल जाएगा, H2O माइनस H2O और प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का यहाँ पर निर्माण होगा। बात आ गई समझ में, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की, क्या अभिक्रिया होती है देखिएगा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, हमने ले रखा है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ध्यान दें रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ NH3, हाँ जी एसिड है क्या देगा H+ देगा, अमोनिया, अमोनिया का नाइट्रोजन देखिए, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर, अमोनिया का नाइट्रोजन यह लोन पेयर डोनेट करके लुईस क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है, यानी यह लोन पेयर इस H+ को डोनेट किया जा सकता है, जैसे यह इसको डोनेट करेगा NH3 क्या बना लेगा NH4+, यहाँ पे H+ निकल चुका है इसलिए ये क्या है RCO-, यह माइनस और यह प्लस, इन दोनों में क्या होगा आकर्षण और फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या आएगा यहाँ पे अमोनियम कार्बोक्सिलेट RCO-NH4+, अमोनियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक है, कैसे हुआ, इस H+ को इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट करा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O पे नेगेटिव, एक दूसरे में अट्रैक्शन है। अब आप इसको हीट दीजिए, गर्म करिए, जब भी किसी चीज को गर्म करें और अगर जल के अणु के निकलने की संभावना है तो यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा H2O, देखिएगा यह H2 और यह O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या NH2, यानी यह क्या है अमोनियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण, ठीक है, अब इसको गर्म करा तो बाहर क्या निकला H2O, यह H2O बाहर निकल गया, बचा क्या RC डबल बॉन्ड O NH2, किसका निर्माण हो गया एमाइड का निर्माण हो गया, ठीक है ना, एमाइड बन गई। अब एक चीज सुनो इंपॉर्टेंट, अगर इस एमाइड को आप P2O5 के साथ गर्म करो, P2O5 की नेचर अभी अभी हमने एक रिएक्शन में देखी है कि P2O5 एक निर्जली कारक का काम करता है, इसमें से जल किरणों को बाहर निकाल देगा, तो P2O5 यहां से क्या करेगा H2O बाहर निकाल देगा, बनेगा क्या RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस H2O, यानी जैसे आप एमाइड को P2O5 के साथ गर्म करोगे क्या बनेगा एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इस आ गया समझ में, अमोनिया से रिएक्शन कराई, अमोनियम लवण बना, अमोनियम लवण को हीट दी, अमाइड बना, अमाइड को P2O5 के साथ में गर्म करा, बन गया साइनाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, कार्बोनिल यौगिक हम किस प्रकार से बनाते हैं देखिएगा, कार्बोनिल यौगिक बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण चयन करते हैं जो कि अपन ने एल्डिहाइड कीटोन बनाने के कॉमन मेथड में डिस्कस किया है, उसी को मैं यहां पे दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, इसका हम क्या करवाएंगे शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन फर्स्ट, सेकंड हम लेंगे कैल्शियम एसीटेट
और साथ में लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। इसका भी क्या करवाएंगे हम, शुष्क आसवन। थर्ड हम लेंगे ओनली कैल्शियम एसीटेट, यह है कैल्शियम एसीटेट और यह है कैल्शियम फॉर्मेट। अब अपन केवल कैल्शियम एसीटेट लेंगे, ठीक है, और इसका क्या करवाएंगे, शुष्क आसवन। देखिए जब शुष्क आसवन कराएंगे इस तरह से बूंद तोड़े, यह H जाकर बैठ गया यहाँ पे, क्या बना, एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में सी ए सी ओ थ्री, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये बॉन्ड यूँ तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ा, यह H जाकर बैठा इस जगह पे एसीटैल्डिहाइड, यह CH3 जाकर बैठा इस जगह पर एसीटैल्डिहाइड, CaCO3, CaCO3, दो मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स बना एसीटैल्डिहाइड और टू मॉलिक्यूल बना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराएं केवल, ये CH3 जाके कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे, और क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 एसीटोन और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है जब कैल्शियम लवणों का, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों का हम शुष्क आसवन करवाते हैं। तो यहाँ पे वे रिएक्शंस हमारी कंप्लीट होती है जिनमें OH बॉन्ड का विदलन होता है। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी अभिक्रियाओं की जिनमें O और H के मध्य का बॉन्ड डिसोशिएट होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें O और H के मध्य का बॉन्ड विदलित होगा। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रियाएं, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनमें C डबल बॉन्ड O, O H बंध का विदलन होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन रिएक्शन कराएंगे धातुओं के साथ, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं विद मेटल्स, धातुओं के साथ। कौन कौन सी धातुएं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ऐसी मेटल्स, इन मेटल्स के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एसिटिक अम्ल लिया या कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंपल ही रख लो आप, एसिटिक अम्ल भी ले सकते हैं, वो उसका एग्जांपल हो जाएगा, ये ओरल पूरी फैमिली हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड यह है हमारा, और इसकी रिएक्शन मान लो आप सोडियम के साथ करा रहे हो, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे कौन चला जाएगा, Na प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, RCOONA था क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना क्या, सोडियम कार्बोक्सी लेट और बाहर क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। अगर आपको ये आधा ओड लगता है तो आप एक काम करें, ये भी टू मॉलिक्यूल्स लीजिए, ये भी टू लीजिए, ये भी टू लीजिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी प्रकार से यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन करा दें, देखो RCOH प्लस ZN, तो जिंक क्या जाएगी, ZN2 प्लस के रूप में जाएगी और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, H2,
क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस जेड एन टू प्लस। या आप इसको एक ही स्टेप में लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं, टू मॉलिक्यूल्स आर सी ओ एच प्लस जेड एन, और प्रोडक्ट आ जाएगा आपका आर सी ओ ओ का होल टूवाइस जेड एन प्लस एच टू, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, प्रोडक्ट बन गया आपका जिंक कार्बोक्सीलेट, जिंक कार्बोक्सीलेट, ठीक है। तो मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगी कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, यह वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। आगे हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किस प्रकार से देता है, देखिएगा। हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और रिएक्शन कराई Na2CO3 की। कार्बोनेट की रिएक्शन की आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जहाँ पे भी कार्बोनेट रिएक्शन करता है एक गैस CO2 डेफिनेट बनती है, अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो H2O डेफिनेट बनता है, बचा क्या, कार्बोक्सिलेट और Na, तो प्रोडक्ट क्या होगा CH3COONA, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाओगे या कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो लवण का यहाँ पर निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लवण का यहाँ पर निर्माण होगा। देखिए कार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं, CO2 डेफिनेट निकली, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H2O बाहर निकल गया, बना क्या, सोडियम एसीटेट। किसका निर्माण हुआ यहाँ पर, सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार से यदि इसी एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम करा देते सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सेम हियर, क्या कार्बोनेट प्रेजेंट है, बिल्कुल है, कौन सी गैस निकलेगी, CO2, क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ जी है, H2O, बचा क्या, एसीटेट और Na, CH3COONA, यानी जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षारों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिएगा सिंपल सी रिएक्शन है, थर्ड टाइप है क्षारों के साथ। देखो हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई हमने NaOH के साथ में, ये अम्ल है, यह क्षार है, यह H प्लस, यह OH माइनस, क्या बना लेगा, H2O, किसका निर्माण करा, H2O का, बचा क्या, RCO माइनस Na प्लस, RCOONA, क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनेगा। अरे अम्ल क्षार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड ने NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा देते अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सेम हियर दिस OH एंड दिस H प्रोड्यूस H2O, वॉट इज द मेन प्रोडक्ट, R का R, COO का COO, बचा क्या, NH4, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज की जो रिएक्शंस थे कार्बोक्सिलिक एसिड की वो डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, जिसमें से आपके बोर्ड्स में एक या दो प्रश्न आने के चांस रहते हैं, उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पूरे मैटर को रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करिए। तो इसी वादे के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।